हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लर्निंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में, जो कि आज दिन में हमारा लाइव सेशन था यूट्यूब पर, जो प्रोफेसर पायल मग्गू मैम द्वारा दिया गया था। तो उसमें आपकी जितनी भी क्वेरी थी वो सभी चीजें सॉर्ट आउट हो गई थी। तो ये शॉर्ट वीडियो रिलेटेड टू किस तरीके से फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो एमबीए की निकली है उसको देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो लास्ट डेट ऑफ पेमेंट है यानी कि 10 नवंबर है, सभी को बता दी गई है जिसका भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया है। और बाकी स्टूडेंट जो भी एमबीए में एडमिशन लेना चाहते हैं वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें, जिसकी की लास्ट डेट 14 तारीख है, तो उससे पहले भरें। और स्पॉट राउंड हमारे चलते रहेंगे मेरिट लिस्ट के, और उसी के साथ बच्चे एडमिशन भी ले सकते हैं। तो किस तरीके से फीस पेमेंट करें इस वीडियो में आप जानेंगे। सबसे पहले आपने जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाना है। उस पे जाने के बाद आपको जो यहां पे एक दिखेगा, यानी कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे यहां पे, यानी कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट यहां पे आई हुई है, सबसे पहले आप देखोगे, ठीक है। उसके बाद एक जो लिंक आपको यहां पे दिखाई दे रहा है वो फी पेमेंट लिंक है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मैं एमबीए की बात कर रहा हूं, जो कि एमबीए की फीस के लिए, ठीक है। अब जब ये होता है तो इस पे आप, अगर मैं फर्स्ट मेरिट लिस्ट की बात करूं, जब आप मेरिट लिस्ट पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से हमारी ये लिस्ट आ रही है। तो इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज लिस्ट है। कैटेगरी वाइज अगर मैं बात करता हूं स्टूडेंट्स, तो कैटेगरी वाइज अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हमारी ईडब्ल्यूएस की लिस्ट लगाई हुई है। जब ईडब्ल्यूएस पे क्लिक करोगे तो ईडब्ल्यूएस की आएगी। देन फिर उसके बाद नॉट एलिजिबल, यानी कि जिन्होंने फॉर्म भरा बट वो एलिजिबल नहीं हुए, उनकी भी लिस्ट है। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी है, देन पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है, उसके बाद एससी एसटी अनरिजर्व एंड डिस्क्रिपेंसी लिस्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसके बाद आप यहां से अपनी देख सकते हो कि आपका कौन से लिस्ट में नंबर है। सपोज मैं अभी ईडब्ल्यूएस का आपको खोल के दिखाता हूं। जैसे आप ईडब्ल्यूएस पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपकी आती है, ठीक है। ये ईडब्ल्यूएस के कोटे में जिन बच्चों ने भी एडमिशन लिया होगा उनका है। ऐसे ही आप नॉट एलिजिबल, यानी कि जो फॉर्म तो भरा है बट एलिजिबल नहीं है, उनकी भी लिस्ट यहां पे डली हुई है स्टूडेंट। इसके बाद हम बात करते हैं फी पेमेंट की। फी पेमेंट पे आपने क्या करना है, फी पेमेंट वाले पे क्लिक करना है। फी पेमेंट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि फी पेमेंट पे आपने लिंक पे क्लिक करना है। फी पेमेंट पे लिंक क्लिक करने के बाद देखिएगा आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आता है। इस पे सबसे पहले आपने जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी अपनी वो डालनी है स्टूडेंट यहां पे, जो कि आप देख रहे हो। उसके बाद आपने पासवर्ड डालना है, देन यहां पे कैप्चा है वो डालना है। उसके बाद आपने लॉगिन बटन पे क्लिक करना है स्टूडेंट, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपका लॉगिन हो जाएगा, जैसा कि मैं अपने इस पे लॉगिन कर चुका हूं, देखिएगा, ठीक है। जब आप लॉगिन करेंगे तो कुछ इस टाइप से आपकी स्क्रीन दिखाई देती है, और इस पे आप जब इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहां पे आपके पास देखिएगा, अगर मैं बात करूं तो एक तो मेरे पास यहां पे फॉर्म आ रहा है मेरा, प्रिंट फॉर्म, यानी कि जो भी मेरी वो है उसको फॉर्म को प्रिंट आउट करने के लिए। दूसरा मेरे यहां पे एडमिशन फी, देखिएगा स्टूडेंट पे एडमिशन फी का भी लिंक आ रहा है, जो कि आप देख सकते हो। जब ये पेमेंट वाला यही लिंक है, इस पे जब आप क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद अंदर जो है यहां पे देखिएगा नीचे आपकी फुल पेमेंट और सभी चीजों का क्लेरिफाई करा हुआ है कि कौन सी पेमेंट कितनी है और टोटल पेमेंट आपकी कितनी जानी है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जब आप यहां पे देखेंगे ब्रेकअप दे रखा है फीस का, और टोटल फीस आपकी 47,500 रुपए एमबीए की, ठीक है स्टूडेंट्स। और पीडब्ल्यूडी की फीस अलग होगी और बाकी सभी कैटेगरी की फीस एक है। उसके बाद इसको नीचे क्लिक करोगे तो यहां पे पेमेंट गेटवे पे यू, अब इस पे जब आप क्लिक करते हो तो देखिएगा कुछ हमारी जो स्क्रीन होती है वो किस टाइप से दिखेगी। यहाँ पे ये 47,500 रुपए का, और इसमें सभी जो प्लेटफॉर्म है यानी कि जो कि प्रोवाइड करे गए हैं वो सारे के सारे प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पे दिख जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। डेबिट क्रेडिट कार्ड आपका यहाँ पे यूज हो सकता है, बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं, या फिर वॉलेट आईटीजेड कैश के थ्रू कर सकते हैं। और जो हमारी पेमेंट होगी वो 47,500 रुपए की होगी, ठीक है स्टूडेंट। जिन भी स्टूडेंट्स का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नंबर आ चुका है और वो अपना एडमिशन एस वेल एमबीए में लेना चाहते हैं तो वो फी पे करें। और इसके बाद सपोज करो किसी ने फीस पेमेंट कर दी, और जो कि दिन में हमारे डायरेक्टर मैडम के द्वारा बताया गया था कि अगर कोई स्टूडेंट एडमिशन कैंसिल कराना चाहता है तो बिफोर 15th ऑफ नवंबर अगर वो कैंसिलेशन कराता है तो उसको 5,000 रुपए कट के बाकी फीस रिफंड कर दी जाएगी स्टूडेंट्स, ठीक है। और भी नई जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में।